है भगवान, कैसा दिखता है भगवान और कैसा है उसका रंग रूप, ये तमाम सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहते हैं। भगवान तो हर इंसान में है और इंसान अपने कर्मों से ही बनता है भगवान, जिसे हम कहते हैं मसीहा। मुंबई की सड़कों पर जश्न का यह माहौल, जो उसमें हजारों का काफिला, लोग उत्साह में जिस शख्स को कंधे पर उठाए चल रहे हैं, वो ना तो कोई नगर सेवक है, ना विधायक है और ना ही कोई सांसद। यह शख्स है उनका अपना वैभव दादा, दादा गरीबों का मसीहा, मसीहा। हजारों झोपड़पट्टी वालों के लिए सीधे वन विभाग से टकराने के बाद हालांकि वैभव भरड़कर को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों झोपड़पट्टी वालों के तीखे विरोध के बाद वैभव को आखिरकार रिहा करना ही पड़ा। 72 पुलिस ऑफिसर उनके फॉरेस्ट के, मुझे घर से बेडरूम से जब मेरे निकाले हम लोग, मेरे को मालूम नहीं सुबह सुबह 5 बजे कौन आया, जैसे दरवाजा खोला वैसे बंदूक बिंदूक लगा के एकदम, जैसे कितना बड़ा मैं टेररिस्ट हूँ, मुझे तो लेके गए, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद तो वैभव रातों रात गरीबों के हीरो बन गए। मुंबई में वैभव को अपना हीरो मानने वाले तमाम लोग वार्ड नंबर 42 की झोपड़पट्टी से वास्ता रखते हैं। इनके बीच पल कर बड़े होने से वैभव का बचपन से ही इनके साथ खास लगाव रहा है। इन लोगों से वैभव का जैसे दर्द का रिश्ता बन गया है। यही वजह है कि कोरोना की तकलीफ में भी लोगों ने वैभव भरड़कर को हमेशा अपने करीब ही पाया। वैभव भरड़कर हमारे लिए दादा है, क्योंकि एक दादा ही अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकता है। कोरोना वायरस से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया। उनके कार्यकर्ताओं की फौज झोपड़पट्टियों से लेकर बिल्डिंगों तक लग गई और कई बार सैनिटाइज किया। सरकारी इंतजामों का इंतजार करते रहना उस समय मुश्किल था, तो फिर उस समय मालाड विकास प्रतिष्ठान और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि निर्णय लिया गया कि हम लोग खुद सैनिटाइज विभाग करना शुरू करते हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान वैभव ने अपने वार्ड में किसी को भूखे नहीं रहने दिया। लॉकडाउन के हम लोग को साथ दिया उसने, पूरा ध्यान दिया उसने, राशन मिला, सैनिटाइजर मिला ये, और जिसको बीमारी होगा उसको भी राशन पानी ज्यादा दे रहे। हम लोग रोज सुबह 2000 लोग का खाना और शाम को 3000 लोग का खाना हम लोग बनाते थे, और हम उसको पैकिंग करके लोगों को नहीं देते। हमारे लोग गरीब लोग थे, वो बेचारे अपने बर्तन वगैरह कुकर वगैरह लेके आ जाते थे, हम लोग उसमें उनको देते थे। लेके लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटने वालों के लिए 2 मुफ्त ट्रेन भी चलाकर उनको भेजने की व्यवस्था करवाई। ट्रेनों मिलना मुश्किल हो गया, सभी लोग लग गए ट्रेन के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भेजना बहुत मुश्किल था, और हम सब ने मिलकर तकरीबन 2 ट्रेनें उस समय यहाँ से भेजी। वैभव की आम इंसान से खास बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। यह कहानी है वैभव और धनश्री की। मुंबई के कुरार विलेज जैसे पिछड़े इलाके में रहने वाला भरड़कर परिवार का युवा जोड़ा, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्कारी बहू धनश्री, घर के बाहर आम लोगों की खातिर हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाले वैभव भरड़कर, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। फाइटर वैभव नगर सेवक बनना चाहते थे और उनकी पत्नी घर की जिम्मेदारी संभाल कर खुश थी, लेकिन पिछले बीएमसी चुनाव ने भरड़कर परिवार की दशा और दिशा ही बदल दी। पिछले बीएमसी चुनाव में वैभव भरड़कर वार्ड नंबर 42 में अपने काम के दम पर बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वैभव चुनाव लड़ने के पहले ही रेस से बाहर हो गए, क्योंकि यह वार्ड लेडीज वार्ड बना दिया गया, यानी यहां से कोई महिला ही चुनाव लड़ सकती है। इसलिए वैभव खुद तो इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी धनश्री को चुनाव मैदान में उतार दिया। राजनीति का कोई अनुभव न होने के बावजूद धनश्री अपने पति के कामों की बदौलत नगर सेविका चुन ली गई। कोरोना काल में उनका नगर सेविका मानधन वार्ड के लोगों के लिए काम आया। दाल चावल बिस्किट कांदा बटाटा शक्कर चाय पत्ती
ये सारी चीज़ें लोगों को उस समय पे उन पैसों से कंटिन्यू 5 दिन तक हमारा वो 3000 लोगों के 3000 घरों में हमने पैकेट्स भेजे। वैसे गरीबों के लिए खाना और अनाज देने का सिलसिला भरड़कर परिवार के लिए कोई नया नहीं है। शुरुआत हुई थी ये 25-50 लोगों से, फिर बाद में जब 1000 लोग हो गए तो उनका सबका कार्ड बनाया गया मालड विकास प्रतिष्ठान संस्था की ओर से, तो हर महीने में वो लोग आके अपना चावल लेके जाते। जीत का मादा रखने वाले फाइटर वैभव भले ही नगर सेवक नहीं बन पाए, लेकिन अपने कामों की बदौलत उनका रुतबा किसी नगर सेवक से कम नहीं रहा। उन्नीस सौ 85 से लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, इसके लिए वैभव भरड़कर ने कई बार आंदोलन किए, लेकिन ऐसा रास्ता निकाला कि अब हर घर में लाइट मौजूद है। 17 से 18 मोर्चे किए, फिर वन विभाग का समस्या आई, वन विभाग में लाइट नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर रास्ता ऐसा निकाला गया कि वन विभाग में रहने वाले लोगों को लाइट देने के लिए वन विभाग के बाहर क्षेत्र में मीटर, इंडस्ट्रियल मीटर लगाया गया। उसकी वजह से आज 100% हमारा जो वार्ड है सब घर में बिजली है। पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक स्लम में सोलर लाइट भी उपयोगी साबित हो रही है। जो रोड है 2 किलोमीटर का हमारा, उस पे 50-50, 60-60 फीट पे हमने सोलर लाइट लगा दी। बिजली के अलावा पानी और शौचालय की 35 साल पुरानी समस्या सिर्फ वैभव भरकड़ के प्रयासों से ही हल हो पाई। सबसे ज्यादा शौचालय म्हाड़ा और महापालिका के माध्यम से अगर बने हैं तो वार्ड हमारा है, हमें इस पे गर्व है। एक एक चाली में 4-4, 5-5 सीट, ऐसे 110 जगह पर हमने शौचालय बनाए। वार्ड नंबर 42 में 90% स्लम एरिया है, यानी झोपड़पट्टी, अप्पापाड़ा, पिंपरीपाड़ा, जामरूसी नगर, अंबेडकर नगर, सावित्री नगर, आदिवासी नगर जैसे स्लम 35 सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इन पर वन विभाग अपना दावा बताता है, जबकि हकीकत अलग है। शासन लोगों के ऊपर अन्याय कर रहा है। वन विभाग की 848 एकड़ की जमीन है, अब उनके पुरावे में उन्होंने 1100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अपना कब्जा करके रखा है। आप एक बार 848 एकड़ को फेंसिंग कर दोगे, उसके अंदर जो गया वो तुम्हारे वन क्षेत्र में आया। आज 848 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास है, ये आपके पेपर बता दें, ये वैभव भरड़कर या कोई सामान्य आदमी नहीं, आपके पेपर बता दें, तो 848 एकड़ जो जमीन है उसको आप फेंसिंग करो। वन विभाग के ऐतराज के बावजूद वैभव भरड़कर इन गरीबों के साथ हैं और गरीब उनके साथ। वो हमारा सिर के ऊपर का बोझा खाली किया और हम लोग को ऐसा अंदर से पानी दिया। पहले चोरी का लाइट चलता था, सब इनलीगल काम होता था, अभी वो लीगली तरीके से हो रहा ना। उनका काम कैसा, इसका भी कोई भी नगर जो आज मुंबई में कोई नहीं है। सबसे ग्रेट श्री वैभव भरड़कर। बुनियादी सुविधाओं के अलावा लोगों की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए वैभव भरड़कर के प्रयासों से यहाँ कुरार पुलिस स्टेशन की बीट चौकी बनाई जाएगी। चेन स्नैचिंग, रात को जाते समय महिलाओं को छेड़छाड़ी करना, ये सारे इतनी समस्या, रोज उठ के वैभव भरड़कर जावे, रोज उठ के कोई नेता जावे, रोज उठ के कोई पुलिस जावे, पॉसिबल नहीं था। तुरंत राहत के लिए वैभव भरड़कर ने 7 बार अपने प्रयासों से यहाँ पर पुलिस और जनता का दरबार भी लगाया। पूरी पुलिस की टीम उपायुक्त से लेकर सबके वहाँ पे जनता दरबार हुए, बोला रोज की मैं आपको तकलीफ, रोज आके तकरार करूँ, ऐसा हो रहा है वैसा, आप खुद चलो जगह पर और सबकी सुन लो। उन्होंने भी उस चीज को अच्छा रिस्पांस दिया, लोग आए जगह पर, लोगों की समस्या सुनी, आज हमारे वार्ड में शांति है। झोपड़पट्टी में युवाओं को रिझाने के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करना वैभव की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शारदा भाई गोविंद पवार इनके नाम पर बनाया गया, जिसमें कबड्डी कोर्ट एक सेपरेट किया गया, जिसमें कुश्ती का अखाड़ा है, क्रिकेट है, यहाँ पे फुटबॉल की व्यवस्था है, मलखांब है, उसके अलावा वहाँ पत्थरों का विभाग था, तो उसमें हमने ट्रैकिंग का भी, रॉक ट्रैकिंग, एडवेंचर्स गेम वहाँ पर हम लोगों ने किए, और गार्डन किए हैं। वैभव अपने वार्ड में युवाओं के लिए लाडले हैं, हर साल अपने जन्मदिन पर वैभव 50 क्रिकेट टीमों को क्रिकेट की पूरी किट देकर युवाओं को हौसला बढ़ाते हैं। युवाओं के लिए क्रिकेट, कबड्डी, ये सब स्पोर्ट्स का तो आयोजन चलते रहता है। दहीहंडी में संस्था की ओर से जो बच्चे लोग दहीहंडी फोड़ने जाते हैं उनके लिए टी शर्ट का वितरण किया जाता है। वार्ड नंबर 42 में पहले सड़कों की हालत खस्ता थी, लेकिन अब सड़कें काफी चुस्त दुरुस्त और साफ सुथरी दिखाई देती हैं।
पिंपरी पाड़ा का रोड हुआ, हमारे अप्पा पाड़ा आनंदे नगर का रोड हुआ, अप्पा पाड़ा का रोड हुआ, पोपट कंपाउंड का रोड हुआ, अपना बुआ सालवी मैदान के पड़ोस से जाने वाला तालंबा सोसाइटी का रोड हुआ, ये सारे रोड हमारे कार्यकाल में हमने शुरू कर दिए। अम्बेडकर भवन के लिए वैभव भरड़कड़ पर FIR हुई, लेकिन वे वन विभाग के सामने नहीं झुके। 80 फीट लंबा है, 40 फीट छोड़ा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन करके हमने वहाँ पर अम्बेडकर नगर में बनाया। नवरात्रि पर हर साल 1000 से ज्यादा महिलाओं को साड़ियाँ बांटते हैं, गरीब बच्चों की स्कूल फीस भी वैभव खुद भरते हैं। मलाड विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट की ओर से हमारे डोंगर विभाग के जितने जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे बच्चों की स्कूल की फीस संस्था की ओर से डायरेक्ट उन स्कूलों में जाती है। बुआ सालवी गार्डन में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग जिम बनवाए। शौचालय में जो भी कमी थी उसे वैभव भरड़कड़ ने दूर किया। वार्ड नंबर 42 की जनता के लिए धनश्री और वैभव का प्रभाव ही काफी है। बेहतरीन कामों के कारण दोनों के अभाव के बारे में अब यहाँ की जनता कुछ सोचना भी नहीं चाहती, और ना ही वैभव भरड़कर का परिवार ही इस जनता के बगैर कुछ खुशियाँ मनाना चाहता है। यानी जनता और वैभव दोनों चोली दामन के साथ में बंधे हुए हैं। वैभव भरड़कर पर किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है।